प्यास मिटा दे सूखे मेरे लबों की, चाहत है दिल में मेरे कितनी शबों की। भीगे बदन पर तेरे जो बूंदे रुकी। नमस्कार, मैं फिरोज हाशमी, आप देख रहे प्रहार टाइम्स। हम आपको लगातार एक के बाद एक खबरें दिखा रहे हैं, चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे वो हॉलीवुड हो या टॉलीवुड हो, सभी तरह के खबरें हम आपके सामने ला रहे हैं। एक टीवी सीरियल देखा होगा आपने जिसमें काफ़ी कॉमेडी करते हैं, जिस सीरियल का नाम है भाभी जी घर पर हैं, जिसमें तिवारी नज़र आते हैं, यानी तिवारी जी नज़र आते हैं अपने किरदारों को लेकर। आज उन्हीं की बेटी लॉन्च हुई है एक वीडियो सॉन्ग जो काफ़ी इमोशनल है, काफ़ी लोगों ने इस गाने को सराहा है। तिवारी जी नाम से काफ़ी सीरियल, तिवारी जी सीरियल में काफ़ी जो है उसमें फेमस है, मशहूर है, लेकिन उनका असली नाम है रोहितास। आज उनके लिए बड़ा दिन है, उनकी बेटी आज लॉन्च हुई है। साथ ही मैं हम आपको जो है बताते हैं मृदुल श्रीवास्तव और गीती की जोड़ी को लेकर काफ़ी चर्चाएं हुई, जोड़ी नंबर वन बता रहे हैं। हम जानते हैं इस मौके पर कई फिल्मी सितारे, कॉमेडियन, वीआईपी और तिवारी जी जो और आकांक्षा, इन सब लोगों ने क्या कहा है। देखिए, मेरे लिए तो बड़ी खुशी का मौका है, क्योंकि जब बाप के लिए इससे बड़ी क्या खुशी होगी कि मतलब उनकी बेटी जो है एक अच्छे ग्रुप में लॉन्च हुई है, वो भी बॉम्बे जैसी जगह में, एक वीडियो एल्बम के थ्रू। एक अच्छी शुरुआत होनी ज़रूरी थी, तो एक अच्छी शुरुआत है, मैं समझता हूँ। इसके लिए मैं आकांक्षा को और पूरी टीम को बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगा। आज जो है इसमें जो है एक मेन लीड में लड़का है और गीती गौड़ है, दो हैं ये लोग लॉन्च हुए हैं, और छोटे बच्चे हैं जिन्होंने उनके बचपन का रोल किया है। तो ये एक वीडियो सॉन्ग है और एक तरह की लव स्टोरी है जो पास्ट और प्रेजेंट में चलती है। फिलहाल जो है जिस तरह से देखा गया कि आपने वीडियो सॉन्ग लॉन्च किया गया है, लेकिन फिल्म वगैरह जो है कब तक क्या कुछ आने का उनका रुझान भी आगे देखा जाएगा कि वो किस करवट बैठती हैं, चीज़ें क्या है। लेकिन मैं चाहूँगा कि अभी फ़िलहाल जो है वो थोड़ा एक्टिंग की तरफ ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करके जो है चीज़ों को और ज़्यादा पुख्ता किया जाए, ताकि आजकल का जो ज़माना है वो बहुत ही स्पॉन्टेनियस एक्टिंग का ज़माना है। आपने देखा होगा आलिया भट्ट हैं या दीपिका पादुकोण जैसी एक्ट्रेसेस हैं जो बड़ा अच्छा नाम कमा रही है, तो उस तरह के लेवल पर जाने के लिए भी और मेहनत की ज़रूरत है, मुझे ऐसा लगता है। इसके लिए तो आप जो है खुद जो है फिल्म इंडस्ट्री से काफ़ी एक चर्चित जो है वो है, तो जाहिर सी बात है कि वो एक बड़े पैमाने पर जो है जा सकते हैं। नहीं, बिल्कुल हमारी कोशिश यही रहेगी, लेकिन थोड़ी सी स्किल्स होनी और ज़्यादा ज़रूरी है, और ज़्यादा स्किलफुल होना ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि सामने वाले लोग जो जब देखें तो कहें कि वाह, वाकई मज़ा आ गया। आज आप कितना खुश हैं? आज बहुत खुश हूँ रियली। आज का दिन बड़ा शुभ दिन है मेरे लिए, क्योंकि जब भी अपने घर के बच्चे को कोई चांस मिलता है, तो वो भी बॉम्बे जैसी जगह में, एक अच्छे ग्रुप में, तो इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है। ये मेरा पहला लॉन्च है, मैंने पहली बार शूट किया है ऐसा, काफ़ी सुंदर एक्सपीरियंस रहा। हमने एक दिन में शूट ख़त्म भी कर लिया, और इतना कंफर्टेबल था कि ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं पहली बार शूट कर रही हूँ, ऐसा लग रहा है मैं ये करे आ रही हूँ, और इतना कंफर्टेबल फील हो गया। मेरी मम्मा ने, मेरी नानी ने, मेरी पूरी फैमिली आई थी सेट पे, मुझे इतना हेल्प किया कि नहीं नहीं खाओ खाओ अभी चक्कर आ जाएगा ऐसे करके, और सिर्फ मेरे को एक्टर मृदुल, उनने भी मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है, और सिर्फ हम दोनों ही नहीं बल्कि पूरी क्रू की मेहनत है ये, क्योंकि चाहे वो स्पॉट दादा हो या मेकअप दादा हो, हेयर दादा हो, सबका इसमें योगदान है। हाँ, मैं फिल्म में काम करना चाहती हूँ और मैं मूवीज़ में ही काम करना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि मैं 2-3 रियलिटी शोज़ भी करूँ, क्योंकि मेरा रियलिटी शोज़ के तरफ काफ़ी ज़्यादा ऐसी दिलचस्प हूँ मैं रियलिटी शोज़ करने में। तो मेरे पापा को हाँ सब जानते तिवारी जी के नाम से, और मुझे लगता है आज यहाँ आए हैं तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि वो आज तिवारी जी के नाम से नहीं बल्कि गीती के पापा के नाम से जाने जा रहे हैं, और यही तो मैं चाहती थी कि मेरे पेरेंट्स मेरे नाम से जाने जाएँ। मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ, मैं बता भी नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। मतलब मैं घर पे कूद रही थी कि हाँ आज मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और यहाँ पर जब आ गई हूँ तो वो लग ही नहीं रहा, मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब मैं कोई मूवी के लॉन्च में आई हूँ या क्या। तो फिर तो गाना काफ़ी रोमांटिक सा है और थोड़ा इमोशनल भी है। हाँ, तो भीगे बदन पे तेरे जो बूंदे गिरी, नजरे लबों से तेरी ढूंढने लगी। थैंक यू। या डेफिनेटली आई रियली वर्क हार्ड फॉर इट, आई डिड क्वाइट गुड रिसर्च
लाइक मैं कोई भी प्रोजेक्ट जस्ट ऐसे नहीं कर लेती, यू नो, आई ऑलवेज लाइक क्रिएट अ प्रॉपर प्लान फॉर इट. एंड एज आई एम ऑलरेडी अ जर्नलिस्ट, मे बी यू आर अवेयर ऑफ इट, तो दिस इज़ अवर लाइक यू नो प्रोफेशन. फर्स्ट रिसर्च एंड लाइक चेक द ऑडियंस मूड, यू कान जस्ट डूइंग एनी थिंग. सो या वी डिड क्वाइट गुड रिसर्च. या आई एम ऑलरेडी हैविंग 10 सॉन्ग्स रेडी ऑडियो, नाउ वी आर प्लानिंग फॉर द वीडियोज. Yeah, actually I did my study in filmmaking also. So I used to do lots of like short films, music videos. But yeah, at this big level, this is my big venture, you know, first big venture. गाने तो और भी किस्म के मतलब बना सकते थे आप, कोई और धुन में बन सकते थे, लेकिन ये जो इमोशनल जो गाना आपने जो बनाया है वो मतलब कैसा ख्याल है? Actually, if you notice ना, it's a mature love story. Mostly what you will see कि you know, लड़की is crying and they मतलब somebody is dying, they get too much like ना hurt. But over here, you will get the message, never give up. There is a solution of everything. Be mature. Har cheez ka solution, rona, dhona, give up karna nahi hota hai. Kitne din mein ye ban gaya tha, ye 5 minute ka video? Agar planning ki baat karu, to it's like 1.5 months planning it is. And we shooted it for one day. Bhabhi ji, ghar par aate dekhiye. To main bahut khush hu ki mere dost ki beti launch hui hai aur bhavuk ho gaya. क्योंकि एक पिता के लिए बड़ा सब बहुत वो होता है जब उसकी डॉटर आती है. मैं वो उनकी आंखों में मैं देख रहा था, रोहिता जी की आंखों में देख रहा था कि पिता कितना खुश है. ऐसी खुशियां हर पिता की आंखों में आए, दिल में छा जाए सबके. और मेरी दुआ है दिल से कि उनकी बेटी बहुत तरक्की करे, क्योंकि बहुत मेहनत की उनकी माता जी ने भी, रेखा जी ने बहुत. एक बेटी को आगे बढ़ाने का जो सारा बीड़ा उन्होंने उठाया है, वो मैं समझ में देखने मुझे लग रहा था कि उन्होंने बड़ी मेहनत की अपनी बेटी के पीछे. और मेरी दिल से दुआ है कि ये एल्बम हिट हो, गाना सुपर हिट हो और धमाल हो. खूब तरक्की करो बेटा, लव यू. तो आपने सुना गीती जो है उनके जो डैडी हैं, जो पिताजी हैं मनमोहन तिवारी, जो सीरियल में काफ़ी अपने अलग अलग किरदार को लेकर सामने आते हैं, और उन्होंने क्या कहा, काफ़ी जो है इमोशनल होकर उन्होंने बातें कही. बने रहिए इसी के साथ प्रहार टाइम पर. हम आपको इसी तरह से हर बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड की खबरें दिखाते रहेंगे. ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें. अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें.